गाजियाबाद के दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर लुटेरों से छीन झपट के दौरान ऑटो से गिरकर घायल होने वाली बीटेक की छात्रा कीर्ति सिंह अपनी जिंदगी की जंग हार गई। गाजियाबाद के एक हॉस्पिटल में 48 घंटे से कीर्ति का इलाज चल रहा था, जहां कल देर शाम उसने दम तोड़ दिया। लूटपाट के दौरान हादसे में घायल होने के बाद उसे एक बार भी होश नहीं आया था। इलाज कर रहे डॉक्टर की माने तो छात्रा कीर्ति के सिर की हड्डी टूट गई थी। इसके बाद उसके सर में खून का क्लॉट बन गया था, जिसके कारण वो कोमा में चली गई थी। डॉक्टर ने पहले ऑपरेशन में तो सफलता हासिल कर ली, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी छात्रा को होश में नहीं लाया जा सका। लूटपाट के इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक लुटेरों को मुठभेड़ में घायल कर जेल भेज दिया है। मृतक कीर्ति हापुड़ की रहने वाली थी और वो गाजियाबाद स्थित अपने कॉलेज से पढ़ाई करके 27 अक्टूबर की देर शाम अपने घर वापस लौट रही थी। ऑटो में जब वो सफर कर रही थी, इस दौरान दो बाइक सवार लुटेरों ने उसके हाथ से मोबाइल झपटने की कोशिश की, जिसके बाद कीर्ति ने अपने फोन को और जोर से पकड़ लिया। लेकिन लुटेरों ने जब मोबाइल खींचना चाहा तो वो चलते हुए ऑटो से सड़क पर गिर गई, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई। घायल कीर्ति को अस्पताल में लोगों ने भर्ती कराया, जहां कल देर शाम उसने दम तोड़ दिया। 27/10/2023 को थाना क्षेत्र मसूरी में वेब सिटी फ्लाईओवर पर एक मोबाइल छीनने की घटना हुई थी। ये घटना एक महिला के साथ हुई थी, जिसमें महिला नीचे सड़क पर गिर गई थी, उसको गंभीर चोटें आई थी, जिसमें मुखबिर खास की सूचना मिली कि दो संदिग्ध व्यक्ति स्प्लेंडर काले रंग के जा रहे हैं, जिस पर हमारी पुलिस पूरी तरह अलर्ट थी। मौके पर जब वो गाड़ी आई तो हमारी पुलिस द्वारा उसको रोका गया, जिसमें जो संदिग्ध व्यक्ति थे उन्होंने पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की। जब पुलिस द्वारा पीछा किया गया तो उन लोगों ने पुलिस पर फायर किया। फिर आत्मरक्षा पर पुलिस ने जवाबी फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति के दाहिने पैर पर गोली लगी, वो मैं मोटरसाइकिल के गिर गया। दूसरा व्यक्ति मौके पर अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर भाग गया। दिल्ली NCR में ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में जरूरत है प्रशासन को और ज्यादा मुस्तैद और आपको सावधान और सतर्क रहने की।